अंडावर और काचबली जो वहाँ पे पूर्ण रूप से शराबबंदी हो चुकी है कानूनन रूप से, फिर भी उस क्षेत्र में गली गली के अंदर शराब की बिक्री हो रही है, और जिससे क्या है कि रात बिरात कभी भी वहाँ पे दारू मिलती है। उस कारण से ये आपराधिक प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में बढ़ गई। जहाँ शराबबंदी हो चुकी है उन पंचायतों में भी अगर अवैध रूप से शराब बिक रही है तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आवाज़ नहीं उठाई, आप लोगों ने ऐसी कोई वहाँ धरातल पर मुहिम या कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किए? शराब के कारण भीम में सैनिक होने बंद बहुत कम पड़ गए हैं, पहले जैसे नहीं है, ये शराब के कारण ही है मेन बात। युवा जिस प्रकार से उस नशे की गिरफ्त में है तो वहाँ पर एक बड़ी मुहिम के माध्यम से भी कुछ ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए कि युवा थोड़ा सा उस नशे से विमुख होकर पुनः एक बार उस सेना के गौरव की तरफ आगे बढ़े। ये डीजे और इस शराब के ऊपर हमने अवैध ब्रांचों और अवैध शराब और डीजे के ऊपर पूर्ण रूप से हमने सर्व समाज ने मिलकर प्रतिबंध लगाया है। नमस्कार, मगरांचल क्षेत्र आसमंद के मगरांचल क्षेत्र में शराब एक बड़ा मुद्दा रहा है, लगातार शराब को वहाँ पर बंद करवाने को लेकर अलग अलग मुहिम चली है, अवैध शराब की खबरें लगातार वहाँ से निकल कर आती है, और ऐसे में अनेक ग्राम पंचायतों के माध्यम से अनेक वहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी ये मुद्दा समय समय पर उठाया जाता है। आज एक बार हालांकि राजसमंद जिला मुख्यालय पर उसकी गूंज पुनः सुनाई दे रही है, मगर इस बार इस गूंज के केंद्र में वहाँ का जो एक चॉइस का गाँव का चौकला है, एक उस चौकले से रावत राजपूत समाज अब मुखर होकर ये मांग कर रहा है कि उस क्षेत्र में न केवल शराब को बंद करवाया जाए, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए, और साथ ही बीच में हालिया कुछ घटनाक्रम को देखते हुए वहाँ पर एक मांग यह भी उठ रही है कि शादी ब्याह में जो डीजे बजाए जाते हैं उस पर भी रोक लगाई जाए, और साथ ही इन आयोजनों में भी शादी और तमाम जो ये समारोह होते हैं इनको भी शराब से दूर रखा जाए। तो इस मुहिम को लेकर एक बड़ा फैसला समाज की उस जाजम पर हुआ है। रावत राजपूत समाज कोशिश कर रहा है कि न केवल धरातल पर उस फैसले को हम बिल्कुल पूरी तरह से उतारे, बल्कि प्रशासन से पुलिस से भी एक सहयोग की अपेक्षा करता है जो इस मुहिम में उनके साथ बने रहें। तो इस मुहिम को लेकर समाज के तमाम मान्य लोग यहाँ पहुँचे हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करके कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये मुहिम शुरू करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। भीम उपप्रधान नारायण सिंह जी भी है जो समाज का वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं उस चौकले में, क्या ऐसी वजह रही कि आपको यहाँ आकर इस प्रकार से आज पुलिस से गुहार करने लगानी पड़ रही है कि हमारे इन फैसलों को धरातल पर उतारा जाए? उसमें ऐसा रहा सर कि जो शराब अवैध शराब का जो विषय है, जैसे हमारी दो ग्राम पंचायत है मंडावर और काचबली जो वहाँ पे पूर्ण रूप से शराबबंदी हो चुकी है कानूनन रूप से, फिर भी उस क्षेत्र में गली गली के अंदर शराब की बिक्री हो रही है, और जिससे क्या है कि रात बिरात कभी भी वहाँ पे दारू मिलती है। उस कारण से ये आपराधिक प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में बढ़ गई। आप कहना चाहते हैं अवैध रूप से वहाँ दारू अभी भी शराब बिक रही है? बिक रही है सर, और हमारे जो आसपास की ग्राम पंचायतें हैं उनके अंदर भी हमने क्या है कि बीते दिनों हमारे वहाँ पर एक महिला के साथ जो अमानवीय घटना हुई थी, उस घटना के संदर्भ में हम हज़ारों लोग एकत्रित हुए और सर्व समाज ने ये डिसीजन लिया कि इन ग्राम पंचायतों में तो बिल्कुल शराब नहीं होना चाहिए, और जो आस पड़ोस की पंचायतें हैं उनमें भी कानूनन रूप से जो वैध दुकानें हैं वही चले, बाकी ये डीजे और इस शराब के ऊपर हमने अवैध ब्रांचों और अवैध शराब और डीजे के ऊपर पूर्ण रूप से हमने सर्व समाज ने मिलकर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें हमारी 8 ग्राम पंचायतें आती है इस 24 गाँव के अधीनस्थ। तो ये हमने इसीलिए ये डिसीजन लिया है, और लेकिन कुछ लोग आज भी उस डिसीजन का उल्लंघन कर रहे हैं, इसीलिए हम कानूनी सहायता के लिए आबकारी जिला आबकारी अधिकारी और हम एसपी साहब के पास आए। मूल रूप से आपका विरोध जो प्रशासन की तरफ से अगर देखा जाए तो जो एक तो अवैध ब्रांचें चलती है जो अवैध शराब बेची जाती है इसको लेकर है? हाँ, अवैध ब्रांच हो गई, अवैध शराब हो गई, और उन पंचायतों में जहाँ बिल्कुल शराब बंदी है हम चाहते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल भी इस प्रकार का कोई शराब का कोई विषय नहीं आए। तो इसको लेकर वहाँ पर हालांकि शराबबंदी को लेकर भीम क्षेत्र में उस मगरांचल क्षेत्र में लगातार लोग मुखर हो रहे हैं, बात उठाई जा रही है, तो ऐसे में जहाँ शराबबंदी हो चुकी है उन पंचायतों में भी अगर अवैध रूप से शराब बिक रही है तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आवाज़ नहीं उठाई, आप लोगों ने ऐसी कोई वहाँ धरातल पर मुहिम या कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किए? आवाज़ उठाने पर क्या है, प्रशासन द्वारा कार्रवाई होती है लेकिन वो 2-3 दिन तक ही लागू रहती है, उसके पश्चात वो फिर से एजेटिव हो जाती है और चलने लग जाती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि परमानेंट अब समाज हमारे साथ है, अगर प्रशासन फिर भी अगर संज्ञान नहीं लेता है तो फिर आम जन
पूरा सर्व समाज के लोग एकत्रित होकर इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी, ये एक विषय निकल कर आ रहा है, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि भीम क्षेत्र का जब जब नाम आता है तो ऐसा लगता है कि देश की सेना में सेवा देने वाला एक ऐसा अग्रणी क्षेत्र राजस्थान में जो नेतृत्व करता है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये शराब का जब जब बढ़ावा हुआ है तब तब कहीं ना कहीं भीम की वो गरिमा भी घटी है, लोगों का अब आने वाली पीढ़ियों का सेना में उस तरह से जुड़ाव नहीं रह पाया, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं शराब को एक कारण मानते हैं आप? ये बात तो सही है, आपके शराब के कारण भीम में सैनिक होने बंद बहुत कम पड़ गए हैं, पहले जैसे नहीं है, ये शराब के कारण ही है मेन बात। तो हालांकि आप ये मामला तो आप बता रहे हैं कि हमारे 24 गांवों के बीच का मामला है, मगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि मगरांचल में जिस प्रकार से नशे की अलग अलग खबरें आती है, युवा जिस प्रकार से उस नशे की गिरफ्त में है, तो वहाँ पर एक बड़ी मुहिम के माध्यम से भी कुछ ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए कि युवा थोड़ा सा उस नशे से विमुख होकर पुनः एक बार उस सेना के गौरव की तरफ आगे बढ़े? सर, इसका हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर ये हमारा जो क्षेत्र आता है 24 गांव का, ये जो आए दिन जो आप जिन गैंगों का नाम सुनते हैं, ये इसी क्षेत्र में है, ज़्यादा करके इसी क्षेत्र में है, और ज़्यादा आपराधिक जो भी कांड होते हैं वो इसी क्षेत्र में होते हैं, इसीलिए हमने ये सारों ने मिलकर ये ठोस कदम उठाने की दृष्टि से। समाज की तरफ से अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे हालांकि प्रशासन और पुलिस से आप मांग रहे हैं, समाज के स्तर पर भी ऐसी कुछ दंड की है, ऐसे कुछ जुर्माने की प्रावधान आपने किए? हमने हमारे स्तर पर समाज ने बिल्कुल इस प्रकार का प्रावधान किया है, अभी हमारी आगामी 15 तारीख को फिर से बैठक है, उस बैठक में जो लोगों ने इसका उल्लंघन किया है उनके खिलाफ हम कुछ ठोस कार्रवाई करेंगे, कुछ नियम तय करके उनके खिलाफ सामाजिक कार्रवाई भी करेंगे। तो देखा आपने, एक बार पुनः जो ये शराब से मुक्त करवाने की एक गूंज यहाँ सुनाई दे रही है, उस गूंज को लेकर ये लोग आए हैं, उसमें सेना का मैं जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि एक बड़ी समृद्धशाली इतिहास रहा है भीम क्षेत्र का। आपको क्या लगता है कि ये शराबबंदी अब वहाँ की एक अहम ज़रूरत हो गई? ज़रूरत होगी, इसलिए होगी कि यहाँ के युवा पिंडी इसमें पीने लगी है और नए पढ़ाई करती है, नए कुछ, और उनका शरीर भी डबल, इसलिए सेना में तो ब्यूटीफुल लड़का भर्ती हो सकता है, इसलिए वो शराब के कारण नशे के कारण कमज़ोर होता जा रहा है, इसलिए कोई सेना में भर्ती हो नहीं सकता है। इस वजह से हम चाहते हैं कि भी हमारे यहाँ नवीन जवान सेना में भर्ती हो और देश की रक्षा करें, इसलिए हम चाहते हैं यहाँ नशा मुक्त हो जी। हमारा एरिया यार अवैध शराब की दुकानें बंद हो जाए तो वैसे ही आधे लोग वैसे बंद हो सकें जी, हाँ ये हम चाहते हैं। तो देखा आपने, अवैध शराब जो बिक रहा है उसको लेकर एक गहरी नाराज़गी है, बताया ये जा रहा है कि जिन पंचायतों में शराबबंदी होगी वहाँ पर भी धड़ल्ले से शराब बिक रही है, ये एक गंभीर आरोप है, और इन आरोपों के साथ साथ एक ये चिंता भी कि जो एक सेना का एक बड़ा ही गहरा जुड़ाव भीम क्षेत्र से रहा है, वहाँ उस जुड़ाव में भी शायद जो कमी आई है उसके पीछे नशा है, अगर कोई आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही है तो बताया जा रहा है उसके जड़ों में भी कहीं ना कहीं नशा है, तो उस नशे से अपने समाज के युवाओं को थोड़ा सा दूर करने के कारण अब ये समाज जन एकजुट हुए हैं, इन्होंने फैसले लिए हैं, उन फैसलों को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन से आज वो सहायता मांगने आए हैं। कोशिश करेंगे कि इससे जुड़े हुए और भी पहलू समय समय पर आप तक लेकर आएँ। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।